Hey guys, welcome back to my channel. So, Libras, आप लोगों के लिए है ये रीडिंग. आपका ये वीक कैसा रहने वाला है. यहाँ मैं अपनी तीनों डेक से आप लोगों के लिए कार्ड्स निकालूंगी और देखते हैं आप लोगों के लिए कैसा बताता है ये वीक. हर पर्पज से, प्रोफेशनली, पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, हर तरह से आप लोगों के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है. ओके, सो आइए चेक करते हैं हम एनर्जीज. पर्सनल सेशन के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. फिलहाल कुछ डिस्काउंट्स ऑफर चल रही हैं बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंस डे. ओके, इस फेस्टिवल के चलते हुए हमने कुछ ऑफ किया हुआ है. सो इफ आप पर्सनल सेशन में इंटरेस्टेड हैं तो आप ले सकते हैं. ओके, सेलिब्रेशन. ओके, यू आर सेलिब्रेटिंग. आप सेलिब्रेट कर रहे हैं द मून. देयर आर सम इश्यूज. ओके, क्वीन ऑफ कप्स. ओके, द एम्प्रेस. दैट्स ग्रेट. मटीरियलिस्टिक सक्सेस हमें यहाँ पर नजर आती है आपकी लाइफ में. क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स. तो यहाँ पर हमारे पास दो क्वीन आई हैं. ठीक है, अभी आपको इनके मतलब बताऊंगी. एक एम्प्रेस का कार्ड है, दो क्वीन है, इसका मतलब भी कुछ है. ठीक है, और द मून है यहाँ पर और हमें क्या दिखाई देता है, इसको हम यहाँ रख लेते हैं. आई थिंक आप लोगों को विजिबल होंगे कार्ड सारे. ठीक है, तो अब हम चलते हैं ओशो ज़ेन की ओर. कार्ड्स आज बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं. टर्निंग इन. अब आप बस अपने काम पर, अपने ऊपर ध्यान देना चाहते हैं और आप वही करेंगे. व्हाट इज दिस? टोटैलिटी. थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, कहीं फंस ना जाए किसी लेडी के चक्कर में. ट्रांसफॉर्मेशन. चेंजेस आ रहे हैं आपके अंदर. द रिबेल. दैट्स ग्रेट. अपनी सक्सेस की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं. इंटेंसिटी, मतलब करियर वाइज हमें यहाँ पता चलता है कि आप अपनी स्पीड को तीव्र गति से आगे बढ़ा रहे हैं. इसके बाद एक कार्ड हम अब निकालेंगे यहाँ पर लवर्स डेक से. ठीक है, क्या बताते हैं टैरो कार्ड्स, क्या लवर्स डेक जो है वो बताती है. जस्ट गिव मी अ सेकंड. ओके, सो ये है हमारे लवर्स डेक. इससे हम चेक करते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं. ठीक है, कोई भी कार्ड मैं इसमें से बीच में से जो है वो मैं पुल करूंगी. ये पहले लेते हैं. ओके, ठीक है, तो इसका मतलब भी अभी हम चेक करेंगे. ये हम रीडिंग के लास्ट में इसको हम चेक करते हैं. ठीक है, सबसे पहले हम ओशो ज़ेन की डेक को लेकर चलते हैं कि कार्ड्स हमें क्या बता रहे हैं. सो यहाँ पर थ्री ऑफ कप्स आया है. थ्री ऑफ कप्स का कार्ड हमें बताते हैं कि कुछ सेलिब्रेशन आप कर रहे हैं लाइफ में. ठीक है, सेलिब्रेशन मुझे यहाँ दिखाई देता है. ये सेलिब्रेशन मुझे आपके करियर को लेकर दिखाई देता है. ठीक है, कि करियर को लेकर आप कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, सेलिब्रेट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं. ठीक है, करियर वाइज आप आगे भी बहुत बढ़ रहे हैं. नो डाउट आप बहुत आगे, मतलब ग्रोथ कर रहे हैं. पीछे कब आप कुछ देखना ही नहीं चाहते, बस आगे की तरफ ग्रोथ देखना चाहते हैं और अपने रास्ते खुद बना रहे हैं. ठीक है, अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या कहते हैं, क्या करते हैं, लोगों के एडवाइसेस क्या है. आप वो करना चाहते हैं जो आपको ठीक लग रहा है और आप वो करेंगे भी, बिकॉज यही चीज़ आपको सक्सेस दिलाएगी, यही चीज़ आपको आगे लेकर जाएगी, इसी से आपको सक्सेस मिलेगी. अपने रास्ते आप खुद बना रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पर ये सब हमें दिखाई देता है. इंटेंसिटी बताता है कि बहुत ही ज़्यादा स्पीडली आप आगे बढ़ रहे हैं अपने करियर में. ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पीड से आप आगे बढ़ रहे हैं, बस करियर की तरफ आगे ध्यान देना चाहते हैं. थ्री ऑफ कप्स मीन्स सेलिब्रेशन कर रहे हैं आप. ठीक है, सेलिब्रेट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं आप लोग अपनी ये जो इतनी प्रॉब्लम्स रही इसके बाद, अब ये जब जो थोड़ा नॉर्मल हुआ है सब कुछ इन सब चीज़ों को. इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया. ट्रांसफॉर्मेशन हमें ये बताते हैं कि आपके अंदर एक चेंज आ रहा है.
ठीक है, एक चेंज आ रहा है जिससे कि अब आपको ऐसा लगता है कि यार अगर इसको मैं बुरा लग रहा हूँ या इसको मैं बुरी लग रही हूँ तो इट्स ओके, मैं जानती हूँ कि मेरा ये स्टेप ठीक है, मैं ठीक हूँ, मेरी इंटेंशन ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन मुझे आप में एक दिखाई दे रहा है, ठीक है। बट ध्यान रखें कि इसी चीज़ में आप किसी को बहुत ज़्यादा हर्ट ना कर दें, इसी चीज़ के चलते टर्न इन हो रहे हैं अपने काम को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर, खुद को लेकर, खुद पे ध्यान देना चाहते हैं, ठीक है, खुद के ऊपर अटेंटिव रहना चाहते हैं, लोगों की फालतू की आप बातें नहीं सुनना चाहते क्योंकि अब आप खुद पे ध्यान देना चाहते हैं, आपको ऐसा लगता है कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मैं हूँ, मेरी फैमिली है और मैं वही करना चाहता हूँ, वही करना चाहती हूँ जो मुझे ठीक लगेगा, और आप वही करेंगे। अपने करियर के लिए, अपनी लाइफ के लिए अब आप हर पॉसिबल एफर्ट करेंगे जिससे कि वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो, आपके सारे ड्रीम्स जो हैं वो ट्रू हो, ठीक है। इसके बाद हमें यहाँ पर दिखाई देता है कि कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स आपको मिल रही हैं। टोटैलिटी का कार्ड भी आया है और क्वीन ऑफ कप्स भी आया है, ठीक है, कुछ डिसअपॉइंटमेंट मिल रही हैं। टोटैलिटी ये बताता है कि आप अपने मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप कहीं भटके ना किसी भी राह, आप जिस राह जा रहे हैं, जो डायरेक्शन आपने पकड़ी हुई है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है वो डायरेक्शन, वही आपको सक्सेस दिलाएगी। बट कोई भी ऐसा काम ना करें जहाँ आप फंस जाएं, जहाँ आपको ऐसा लगे कि यार रिस्क वाला काम है, कोई भी ऐसा काम ना करें, आपको वहाँ से डिसअपॉइंटमेंट मिल सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, आपको डिसअपॉइंटमेंट मिल सकती है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि हमें बताता है कि कोई क्लेवर लेडी है जो आपकी सक्सेस से जल रही है, ठीक है, तो उसके चक्कर में आप खुद को ना फंसा लें, ठीक है, उसके चक्कर में आप मतलब खुद को स्पॉइल ना करें, मैं ये कहना चाहती हूँ, ठीक है, अपने करियर पे ध्यान दें, ओके। और यहाँ पे मुझे क्लेवरनेस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है इस लेडी में, तो कोई लेडी है जो आपकी सक्सेस से जल रही है इतनी, ठीक है, जो आपसे जेलस फील हो रही है, तो मुझे इस तरह का दिखाई दे रहा है। दो लेडीज़ के लिए कार्ड आए हैं यहाँ पे, एक तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और एक क्वीन ऑफ कप है। क्वीन ऑफ कप्स जो है वो हमें जेलस लेडी बताती है, कोई कि कोई जेलस हो रहा है आपसे। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स हमें बताती है कि वो आपको आगे का रास्ता दिखा रही है, कोई आपको बहुत सपोर्ट कर रही है, और ये आपकी वाइफ हो सकती है, आपकी मदर हो सकती है, कोई इंडिपेंडेंट वुमेन हो सकती है, बहुत मतलब आपकी कोई क्लोज वन और बहुत सपोर्टिव वुमेन है ये, ठीक है। द एम्प्रेस का कार्ड है जो कि हमें ये तो बताता ही है कि कोई वुमेन यहाँ पे प्रेजेंट है जो कि आपको प्रॉपर तरह से सपोर्ट कर रही है, और वो हर तरह से मटेरियलिस्टिक हम देखें या किसी भी तरह से देखें तो वो सक्सेसफुल भी हैं और अब और ज़्यादा स्टेबल होने वाली हैं, मतलब आपकी लाइफ भी और ज़्यादा स्टेबल होने वाली है रिलेशनशिप को लेकर या फिर फाइनेंसिस को लेकर, ठीक है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स में बताती है कि कोई इंडिपेंडेंट वुमेन आपकी हेल्प कर रही है, आपको आगे का रास्ता दिखा रही हैं, आपको पॉजिटिव कर रही हैं, ठीक है। सो अगर इस टाइप से आपको किसी की हेल्प मिले, कोई आपको गाइड करे, तो आप उस गाइडेंस पे ज़रूर चलिएगा, लेकिन थोड़ा संभल कर, ओके। सो जो लवर्स का, जो लवर्स ओरेकल से जो आप लोगों के लिए कार्ड आया है वो हम देखते हैं क्या मैसेज है। फॉरगिवनेस, स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन पास्ट इवेंट्स, अपनी एनर्जी को ना अपने पास्ट में लगाना बंद कीजिए, ठीक है। फॉर लाइफ इज़ टू प्रीशियस टू वेट, लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, ठीक है, आप इसको वेस्ट ना करें। यू क्रिएट योर रियलिटी बाय व्हाट यू थिंक, ड्रीम एंड इमेजिन, आप अपनी रियलिटी को खुद सोच कर, खुद ड्रीम करके, खुद इमेजिन करके बनाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप खुद सोचिए कि आपको एक्चुअली करना क्या है, ठीक है। इतने टाइम बाद अगर आपके तुला राशि के कार्ड इतने पॉजिटिव आए तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अपनी राह से बिल्कुल ना भटके, ठीक है, अपने फोकस्ड रहें अपने काम पे, अपनी फैमिली पे। ये कार्ड्स थे लिब्राज आप लोगों के लिए। अब हम चलते हैं स्कॉर्पियंस के लिए, क्या कार्ड्स आए हैं स्कॉर्पियंस के लिए, टैरो कार्ड्स क्या बताते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।